टाइम्स मीडिया। चलिए चुने सरकार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत के दुश्मन डरते हैं, उनकी आंखों से पाकिस्तान में दहशत पैदा होती है। और दूसरी ओर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जो पार्लियामेंट में आंख मारने के लिए मशहूर है। देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जिसे देश के दुश्मन डरे। बोकारो सेक्टर 4 के एक होटल में आयोजित भाजपा के प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश भाजपा महामंत्री विनोद नारायण झा ने इसके साथ कहा कि पीएम मोदी ने 5 वर्षों में विकास को जो गति प्रदान की है उसने एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। हाँ, इस दौरान बिचौलियों की नहीं चली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ पूर्व जिला अध्यक्ष रोहित लाल सिंह, मीडिया प्रभारी सुबोध विद्यासागर सिंह सहित अनेकों नेता मौजूद थे। विनोद नारायण झा ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि संपूर्ण मैथिली समाज बीजेपी को वोट देकर सांसद पीएन सिंह को एक बार पुनः भारी मतों से विजयी बनाने में अपना योगदान देगी। 2019 का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव हो रहा है और पिछले 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने अपने काम से, विकास की गति से, राष्ट्रवाद की ताकत से, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में उन्होंने डिस्टिंक्शन हासिल किया है। एक वो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं जिनकी आंखों से भारत के दुश्मन डरते हैं, उनकी आंखों से पाकिस्तान में दहशत पैदा होती है। और दूसरी ओर कांग्रेस के राहुल गांधी हैं जो पार्लियामेंट में आंख मारने के लिए बदनाम है। तो आंख दिखाकर दुश्मन को डराने वाला प्रधानमंत्री इस देश को चाहिए। और दूसरी ओर पहली बार 70 सालों के चुनाव के इतिहास में विकास, भ्रष्टाचार और महंगाई अपोजिशन के मुंह में नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इन तीनों क्षेत्रों में वो हर घर बिजली पहुंचाना हो या विकास के जीडीपी का मामला हो या महंगाई जिस राज्य में 200 किलो तक जिस देश में दाल बिकने लगा था आज 70 पर है, जहां मोबाइल बहुत 1 रुपये कुछ पैसों में आ गया है, इसलिए महंगाई आज मुद्दा नहीं है। और भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था 2014 में, आज भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, राष्ट्रवाद मुद्दा है और इसका परचम नरेंद्र मोदी ने लहराया है। चलिए चुने सरकार। द टाइम्स मीडिया।